हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज सुबह उठ के हम लोगों के पास हरी सब्ज़ी तो ली नहीं थी, तो हम लेने चले गए थे हरी सब्ज़ी। और यहाँ गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी मैं, बट गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी क्योंकि कभी कभी ठंडी पड़ जाती है तो उसको किक मार कर ही चालू करना पड़ता है। और यहाँ पर रियंका किक मारती है और मैं जब तक उसका ब्रेक दबा के रखती हूँ और उसको चालू करते हैं हम, और यहाँ हम जल्दी है वो चालू हो जाती है वैसे तो एक किक में ही। और सुबह सुबह ही थोड़ा नाटक होता है गाड़ी का। फिर यहाँ से हम कॉलोनी से निकल पड़े सब्ज़ी लेने के लिए, वैसे पास में ही है सब्ज़ी की दुकान, तो वहाँ से जाके हम हरी सब्ज़ी ले आते हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं सब्ज़ी की दुकान में और रियंका मुझसे बार बार पूछ रही थी कि क्या सब्ज़ी लेना है और हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या ले, बट फिर हमने सोचा कि जो सब खाएंगे वो ले लेते हैं। और यहाँ हम सब्ज़ी लेकर निकल गए थे घर के लिए क्योंकि बहुत कड़क धूप हो रही थी, एकदम बहुत ज़्यादा ही धूप लग रही थी मुझे तो, वैसे गर्मी चालू हो गई थी ज़्यादा लगती। और यहाँ ये भैया लोग जा रहे थे गाड़ी को टोचन देते हुए, तो रियंका और मैं उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे। वैसे ऐसी समस्या हमारे साथ भी बहुत बार हुई है और बहुत मेहनत लगती है भाई गाड़ी को टोचन देकर ले जाने में, ये बात तो मुझे पता है क्योंकि मुझे देते नहीं आता है गाड़ी को टोचन। और फिर यहाँ कॉलोनी में आ गए हम, वैसे बताया था आपको मैंने, पास में ही है सब्ज़ी की दुकान, तो सब्ज़ी लेके हम आ जाते हैं घर। तो यहाँ पर आपने देखा कि रियंका ने रोटी बना ली थी और मुझे सब्जी बनाना बाकी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको कि ये मतलब कान में लगा के सुन रही थी, वैसे इसके मोबाइल से कनेक्ट नहीं हुआ है, किसी और के मोबाइल से, मतलब हमारे भैया के मोबाइल से कनेक्ट हो चुका था, तो इसीलिए वो सुन रही थी कि भैया कौन सी मूवी देख रहा है, और उसको वो सुन सुन के ही हंसी आ रही। और फिर मैं यहाँ पर इसकी मस्ती ख़त्म होती है फिर जब तक मैं अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ, गोभी की सब्ज़ी बना रही थी और उसके साथ मटर डाल दिए थे ये हम लेकर आए थे अभी जो, वही बना रही थी। और ये रियंका को आलू पसंद है इसलिए उसके लिए आलू डाल दिए थे क्योंकि वो गोभी उसको इतना पसंद। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है, वैसे मुझे सिर्फ ऐसा लग ही रहा था क्योंकि हवा वगैरह चल रही थी और बादल बहुत आ गए थे, वैसे रात भी होने वाली थी तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि बारिश होगी, बट बादलों को देखकर ही ऐसा फील होने लगा कि नहीं आज तो पक्का बारिश होने वाली है। देखिए मैंने कुछ देर पहले ही आपसे कहा था कि बहुत बारिश होने वाली है और सच में ही बारिश हो गई, और अच्छा हुआ हम जिम नहीं गए, नहीं तो भीग जाते फिर आते टाइम, और प्रॉब्लम हो जाती आने में क्योंकि लगातार 2-3 घंटे तक बारिश चलती रही और लाइट भी नहीं थी तो इसलिए हम गए नहीं। और रियंका कह रही थी कि बहुत आंधी तूफान भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, मुझे बता रही थी कि देख यार अच्छा हो अपन गए नहीं आज, तो फिर फंस जाते वहाँ। और ना बिजली भी कड़क रही थी और लाइट भी चली गई तो लाइट गई तो बस आती ही नहीं है बहुत देर तक। तो यहाँ पर इतनी आंधी तूफान चलने के कारण हम लोगों ने जल्दी से गमले भी नीचे रख दिए थे, नहीं तो गिर जाते हैं और कभी कोई गाय वाय खड़ी रहती तो फिर उन्हें लग जाती, इसीलिए हमने वो गमले फटाफट सीढ़ियों पे जो ऊपर रखे थे वहाँ से नीचे उतार दिए, भारी गमले हैं वो। और यहाँ रियंका देख रही थी कि बारिश में उसको अच्छा लग रहा था बाहर ठंडा ठंडा, तो वो खड़ी हो गई थी और
मैं अंदर ही थी, अंदर से ही उसको वीडियो शूट कर रही थी। फिर यहाँ पे वो चिड़िया उनका खाना जो रखा है दाल और चावल, तो उठा के साइड। रियंका बाहर से दिखा रही थी बाहर की, देखो कितनी बारिश बारिश हो रही थी, पेड़ इतना हिल रहा था, सारी पत्तियाँ पत्ती गिर गई थी। और यहाँ मेरी फ्रेंड से मैं मैसेज में बात कर रही थी, उसका मैसेज आ रहा था। तो और ये था आज का हमारा थॉट ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।